उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पिता को किया गया गिरफ्तार, जिसका नाम रामू पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल निवासी थाना कोतवाली क्षेत्र ललितपुर बताया गया है। मां बेटी ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर सख्त सजा दिलाने की मांग की है। पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को बनाया हवस का शिकार, रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। संवाददाता बलराम पचौरी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। बस ऐसी भी लड़की के लिए मम्मी आ जाए, कार्रवाई होगी, रिपोर्ट लिखी गई, कार्रवाई होगी, सभा का अंदर होगा। तो हमें जो क्या चाहती हूँ, हम जो उसके साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे धंधे के साथ जो चाहती हैं इसको बिल्कुल गिरफ्तार की जाए। हम नहीं कुछ चाहते, हमें 20 साल हो गई परेशान होते थे, हमारे छोरन को, हमारे घर वाले को, परिवार वाले। कितने साल से ये गलत काम कर रहा था? गलत काम इसने हम महीना डेढ़ महीना होगा हमारा, और साथ जो पहला तो मारा, तो हमें कहा मालूम, मुझे मोड़ा मोड़ी है काम बिगाड़ दी, मार दे। अब्बा मोड़ी ने नहीं बताई कि जो काय मध्य दबा चपात, अब्बू बता रही कि हमें जो पहला से दबा रहा हो, तो अब्बा पाले अकेली, तो मोड़ी घूम के गई चाची के साथ, राज्य ने चाची के साथ एक दिन नहीं जान गई। मोड़ी तो कहेगी तो हम तो सपा मारा रहे, उनको मारा रहे, मोहल्ला वाले को, तेरे घर वाले को मारा रहे। कोतवाली ललितपुर अंतर्गत नेहरू नगर से एक महिला द्वारा सूचना दी गई है कि उसके पति के द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया है। सूचना प्राप्त होते ही प्रकरण में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।